ओ भाई सामने बंदा है, छोटा सा बड़ा, छोटा सा कवर, जल्दी से रेस्ट करेंगे। कवर, ओ भाई साहब वही न्यू शॉट करके मार रहे हैं, छोटा सा कवर और भाई सेटिंग खुल गया और बंदा कहाँ पर है? अरे यार हेड शॉट खत्म, सामने बंदा आई थिंक नेट करने वाला लग रहा है भाई, नेट करने वाला है, जल्दी से मारेंगे, रश करेंगे भाई, नेट कोई भी करे भाई, कवर लेके ऊपर यहाँ पर आएगा बंदा, आएगा पीछे का पर, ओ यहाँ पर है जल्दी से हेड शॉट और खत्म। हेलो गाइस, वेलकम टू अर्पन गेमिंग, वेलकम टू फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स। तो आज की वीडियो में मैं 5 न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा अपडेट के बाद जो गेम पे चेंजेस आया है उसके ऊपर, एंड उससे हिसाब से आप बहुत ही ओपी खेल पाओगे। जैसे फ्री लूप हो गया, बहुत सारे चीज़ें आया, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, एंड प्रो टिप्स दूंगा किससे आप ये सब चीज़ें से बेहतर खेल सकते हो एंड इसका एडवांटेज यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखते रहना, और जो लोगों को पता नहीं सेकंड लाइट पास आईडी का किसका है तो आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हो ब्लॉग में, और मैं पुराना आईडी जो मैं इसे खेलता हूँ। तो चलो बताते हैं 5 प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, एक लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो टिप्स है, नो सिग्नल जोन मेरे भाई। तो नो सिग्नल जोन असल में कैसा चीज़ है? नो सिग्नल मतलब आपको कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा, आपके पास मोको है एंड आप बाहर रहते हो नो सिग्नल जोन के, तब आपको दिखेगा कि एनिमी मार रहे हैं, यहाँ पर एनिमी है। बट आप जब नो सिग्नल जोन पे एंटर करोगे आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, एनिमी कहाँ पर है, एनिमी का फुटप्रिंट, एनिमी का साउंड, एनिमी लड़ाई चल रही, कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ पर मैं एनिमी को मार रहा हूँ, एनिमी लड़ाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं दिखेगा कहाँ से मार रहे हैं। तो ये होता है नो सिग्नल जोन। यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर फायर कर रहा हूँ और कुछ भी, कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, मोको दिखेगा। बट मोको एक बात है कि आपका दोस्त के पास मोको है तो वो मार के देख सकते हैं, आप उसको ट्रेस करके यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर कोई भी मार्क नहीं दिखेगा, कोई एनिमी कहाँ पर लड़ाई चल रही है आपको पता नहीं चल, सुनसान इलाका दिखेगा। तो इससे आपको प्रोटिप्स में क्या दूंगा कि नो सिग्नल जोन पे एक ही चीज़ है कि आप घर पे रहो, एंड नो सिग्नल जोन वहाँ पर ही बनता है मैप पे उतरने के बाद, मतलब आप मैप पे उतर रहे हो उसके बाद नो सिग्नल जोन बनता है। तो एक सीन है, कभी कभार फैक्ट्री में बनता है, कभी कभार क्लाउड टावर के बनता है। तो जहाँ पर भी बने ना, एक चीज़ आप कोशिश करो कि घर पे रहने की, आप सोलो खेल लो, स्क्वाड खेल लो, जहाँ पर जो घर पे रहने की, क्योंकि नो सिग्नल जोन पे आपका फुटप्रिंट्स भी मतलब बहुत ही प्रॉब्लम करता है ना, आपका जो ये होता है ना, जो मेन चीज़ जो एनिमी मार रहे हैं कहाँ पर लड़ाई चल रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं 2 बार मर गया ऐसे रश करते हुए, कि मैं रश कर रहा हूँ अंधा रश, मेरे को पता ही नहीं कुछ भी साउंड नहीं आ रहा। तो यही समझ गया कि नो सिग्नल जोन पे आपको क्या करना है, घर पे बैठना है आराम से एंड इनमें आने का इंतजार करना है एंड दूर से मारना है मेरे भाई। तो बीच पे घुस गया नो सिग्नल जोन पे, कौन कहाँ से मारेगा पता नहीं चलेगा, ऐसा लग रहा है कि सब साइलेंस है पूरा। तो ये 4 टिप्स वो भी नो सिग्नल जोन का। तो अब बताते हैं सेकेंड नंबर 4 टिप्स। तो सेकेंड नंबर हम बात करेंगे फ्री लुक के बारे में। तो बेसिकली फ्री लुक ऐसा है कि आप दौड़ते टाइम पीछे देख सकते हो या आसपास देख सकते हो, ये मेन चीज़ है। तो कुछ कुछ बंदे कल स्ट्रीम पे कमेंट करते हैं अर्पण भाई फ्री लुक से स्पीड बढ़ जाता है, नहीं कोई स्पीड भी नहीं बढ़ता, आप जब पीछे देखते हो आपको लगता है कि भाई बंदा स्पीड दौड़ रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये एडवांटेज की तरह एंड टिप्स की तरह कैसे मैं बताऊंगा कि फ्री लुक जो है, जो बंदा सोच रहे हो कि भाई फ्री लुक मैं घर के अंदर यूज़ करूँगा एनिमी आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। फ्री फायर क्लोज रेंज का गेम है, क्लोज रेंज पे आप कभी भी फ्री लुक यूज़ मत करना, आपका दिमाग यूज़ करना, भागना, कवर लेना एंड ऐसे खेलना। क्लोज रेंज पे फ्री लुक का कोई काम नहीं है। आप जब उतर रहे हो फ्री लुक से देख सकते हो, जैसे मैंने दिखाया उतरने के बाद पीछे कितना बंदे आ रहे हैं, ऊपर कितना बंदे, इससे दौड़ते टाइम आप देख सकते हो, या आप साइलेंसर से मार रहे हैं कोई, दौड़ते दौड़ते आपके पास ग्लूअर नहीं है तो ऐसे आप देख सकते हो। बट जब घर के अंदर हो तब कभी भी फ्री लुक यूज़ मत करना, मतलब 1-2-3-4 सेकंड ऐसे यूज़ करना घर के अंदर, उससे ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो मरोगे, क्योंकि फ्री लुक से मैं देखा हूँ ना, आप क्रोनो यूज़ करोगे या आलोक यूज़ करोगे, फ्री लुक यूज़ करा तो आपका पूरा कर्सर ही घूम जाता है, और जितना जितना बंदे का कर्सर घूम जाता है तो कमेंट पे ज़रूर बताना, होगा ही होगा, क्योंकि फ्री लुक से आप मार नहीं सकते, आप बस देख सकते हो सराउंड में। तो ये बहुत अच्छा पोजीशन है कि आप जब दूर दूर में दौड़ रहे हो कहाँ कहाँ बड़ा एनिमी है, आप फ्री लुक से चारों तरफ देख सकते हो, बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। बट दैट्स द रीज़न, घर पे कभी भी
फ्री लुक यूज मत करना, आपका कैरेक्टर ही घूम जाएगा और आपका तो फायर बटन ही काम नहीं करेगा। तो घर के अंदर नहीं, तो दूर पे जा रहे हो एंड आप बस इसको देख के देख सकते हो कि लेफ्ट पे नहीं है कि राइट पे नहीं है, ये सब ट्रेस करने के लिए देखने के लिए आप फ्री लुक यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी आपको बता दिया। तो ये रहा सेकेंड नंबर टिप। तो थर्ड नंबर बात करें कि यूएवी लाइट के बारे में, तो ये बेसिकली छोटा सा यूएवी है जो आपको मिलेगा ड्रॉप पे, जब पर्गेटरी पे मिलता है और बर्बुडा पे आप जो टोकन से कलेक्ट करते हो वहाँ से भी मिल सकता है आपको ये जो चीज़ होता है जो यूएवी लाइट। इससे एक ऊपर यूएवी आएगा, देख सकते हो यहाँ पर एक यूएवी आया है एंड यूएवी से आप चारों तरफ देख सकते हो आपके पीछे पीछे है, पीछे कौन है आगे कौन है ऐसा आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यूएवी अपने आप चला जाएगा और आप उससे देख सकते हो कि आपके चारों तरफ कितने बंदे कहाँ पर बंदे। तो ये चीज़ यूज़ करना ना भूलना, आपके पास टोकन है तो बर्बुडा पे जाके ये यूएवी को खरीदो एंड ये रखो लास्ट जोन के लिए और आपको काम आएगा ये यूएवी को कि बंदा कहाँ पर है एंड आपको दिख जाएगा मेरे भाई। जो बर्बुडा पे बहुत ही ओपी काम आएगा, जो वहाँ पर जो खरीदने का ऑप्शन है वहाँ पर जाके खरीद सकते हो और नहीं तो ड्रॉप पे आपको मिल सकता है पर्गेटोरी पे वो यूएवी लाइट। तो ये बहुत ही ओपी चीज़ है यार, लोकेशन ट्रैक हो जाएगा, तो ये जरूर यूज़ करना। तो ये रहा थर्ड नंबर टिप्स, जो लाइट यूएवी होता है वो वाला। तो ये देख सकते हो यहाँ पर तीन टोकन पे लाइट यूएवी है। तो फोर्थ नंबर टिप्स पे हम बात करेंगे, यहाँ पर वायर चेस्ट यूज़ करना। तो वायर चेस्ट बेसिकली पीक पे जो तीन चार ऐसे बॉक्स मिलता है आपको बहुत सारी जगह मिलेंगे, ये वायर चेस्ट से आपको बहुत ही ओपी ओपी गन मिल सकता है, भेस्ट मिल सकता है, बहुत सारा चीज़ें मिल सकता है। मैं बताऊंगा आप घर से जाने से पहले यहाँ पर घूम के जाओ, यहाँ पर इतना ओपी ओपी चीज़ मिल रहा है देख सकते हो और इससे आप इजीली आपको वेस्ट अवेलेबल कितना वेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर वेस्ट हेलमेट और मेरे को गन भी मिल चुका है। तो आप कोशिश करो पीक पे आ रहे हो तो ऐसे वायर चेस्ट पे कूदो एंड वहाँ पर जाके गन ले लो एंड एनिमी को मार दो। और ये जो शॉर्ट गन है, आई थिंक ये नया वाला जो शॉर्ट गन है, जो आई थिंक ये बेटर शॉर्ट गन नहीं है, तो देख सकते हो डैमेज अच्छा ले रहा है बट पता नहीं क्या हो रहा है। और शॉर्ट गन का साउंड भी चेंज हो गया मैंने देख सकते हो, और हेड शॉट का भी साउंड चेंज हो गया। तो आपको कैसा लगा कॉमेंट पर ज़रूर बताना, और यहाँ पर भाई लाइक नहीं करो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं करो जरूर सब्सक्राइब कर दो भाई लोग। और यहाँ पर इससे मैंने मार दिया देख सकते हो। तो ये है वायर चेस्ट, आप हर जगह पे यूज़ करो और वायर चेस्ट का काम आपको पता है कि भाई आर्मर मिल जाएगा, ये सब कुछ मिल जाएगा। और जो ये अपडेट के बाद ये आपको कैसा लगा भाई, बहुत ही ओके, लाइक कर दो वीडियो को। और अभी देखते हैं दूसरे टिप की तरफ, अभी फोर्थ नंबर हो गया, अभी फिफ्थ नंबर टिप्स बताएंगे। तो फिफ्थ नंबर टिप्स है कि टोकन कलेक्ट करना। तो मैच पे जो टोकन मिलता है तो उस टोकन आप कलेक्ट करो एंड कलेक्ट करके पहले वाला जो ये टोकन था ना फीफा का स्टोर, यहाँ से सब लोग गन लेते थे, वो फिर से आ चुका है, बहुत ही ओपी बात है। तो आप सभी ये स्टोर से बहुत सारा चीज़ें खरीद सकते हो, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आप यूवी लाइट खरीद सकते हो, ME2 भी खरीद सकते हो एंड बहुत सारा चीज़ें जो आप खरीद सकते हो यहाँ से। तो आप पॉइंट कलेक्ट करो और यहाँ से ये सब चीज़ें खरीदो और आपको गेम पे हेल्प करेगा, हर जगह पे हेल्प करेगा कि आप गन यहाँ से ले सकते हो, वन टोकन पे एक मिल रहा है भाई। तो आपको गन नहीं मिला तो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो रहा फिफ्थ नंबर टिप्स, और ये सब कुछ चेंजेस है जो गेम पे मैंने बताया है। तो और बहुत ही बड़ी बात है, कुछ कुछ जो गन्स है मैं बताऊँगा कि गन का डैमेज जो है वो यहाँ पर कम कर दिया है। एक तो यहाँ पर जो वेपन बैलेंसिंग हुआ है, ग्रोजा M1040 UMP M249 इन लोगों का डैमेज बढ़ा दिया गया है, SBD M1887 पैराफेल उठ पे कर इन लोगों का डैमेज कम कर दिया गया था। तो ये देख सकते हो इन लोगों का चीज़ें जो कम है बड़ा है, तो ये बढ़ा दिया, ये चेंजेस हुआ है मैं आपको बता दिया। तो ये है फिफ्थ नंबर टिप्स। तो वीडियो को अच्छे लगे ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट में मिलते हैं, लव यू ऑल, और ज़रूर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। बाय बाय।